हेलो फ्रेंड्स दिस इज तानिया वेलकम बैक टू माय चैनल तानिया टॉक्स एंड रिएक्शन तो फिर मैं आज हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज के वीडियो का टाइटल इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग अब फाइनल में होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप रोहित शर्मा बाबर आजम टीम इंडिया आज ही रौनक की वीडियो है वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप वहाँ जाके ओरिजिनल चैनल को भी सपोर्ट करिए फ्रेंड्स और हाँ फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि नाव इंडिया इन पाकिस्तान विल फिर आमने सामने टक्कर होगा क्योंकि इंडिया ने जिम्बाब्वे को हरा दिया है, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया है तो ओवरऑल द सिचुएशन ऐसे हो गया कि फिर वो आ गया और पाकिस्तान के फैंस बोल रहे हैं आ जाओ इंडिया हम तो तुम्हें देख लेंगे तो देखते हैं इस कम्प्लीट वीडियो को फिर इस बारे में बात करेंगे सो लेट्स स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो लिया, क्या खेला है यार खेला नहीं पेला है इस मैच के बारे में आगे बात करेंगे आई मीन I mean, कल की वीडियो में बात करेंगे लेकिन फिलहाल अपने पड़ोसियों से पूछना चाहूंगा और पाकिस्तान वालों सूजी आ, ब, ब, मतलब सूजी का हलवा बनाया होगा तो इधर भी भिजवा दो यार नमस्कार जय हिंद मैं हूँ रौनक देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड कप स्पेशल रन समझ नहीं आ रहा कि इस बारे में बात करूं पाकिस्तान वालों किस्मत कहाँ से लिखवा के आए हो बे और पाकिस्तान वालों से पहले मैं साउथ अफ्रीका वालों से पूछना चाहता हूँ ये करने के लिए तुम लोग वर्ल्ड कप आए थे ये करने के लिए पाकिस्तान तो चलो फिर भी जिम्बाबे से हारा तुम नीदरलैंड से हार गए गजब बेचती है तो मतलब क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा अजीबो गरीब दिनों में से आज का दिन था पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने के लिए साउथ अफ्रीका या इंडिया की हार चाहिए थी साउथ अफ्रीका पर तो लोग फोकस भी नहीं कर रहे थे उनका पूरा ध्यान था कि जिम्बाबे किस तरह से वो कर दे जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ ही किया था लेकिन पाकिस्तान का, का काम तो नीदरलैंड ने इंडिया के मैच से चार घंटे पहले ही करवा दिया पाकिस्तान का कोक स्टूडियो फेमस होगा लेकिन साउथ अफ्रीका वालों का चोक स्टूडियो उनसे भी कहीं ज्यादा फेमस है हर वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ऐसी टीम लेकर आती है जिसको देखकर लगता है भाई साहब वर्ल्ड कप तो यही लोग लेकर जाएंगे

था जब बाबर आजम टॉस के लिए जा रहे थे तो एक नीदरलैंड के खिलाड़ी ने उन्हें बोला कि जाओ जी लो बावर। लेकिन जिस टूर्नामेंट में नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा रहा है उस टूर्नामेंट में बांग्लादेश भी पाकिस्तान को हरा ही सकता था हल्का नहीं लेना है भाई किसी को इसी क्रम में बांग्लादेश ने टॉस जीता पहले बैटिंग करने का फैसला किया लेकिन इंडिया को परेशान करने वाले लिटन दास पाकिस्तान को परेशान नहीं कर पाए उनके पीछे पीछे सौम्य सरकार और शाकिबुल हसन भी चले गए हालांकि शाकिबुल हसन के एलबीडब्ल्यू वाले रिव्यू से यह साफ लग रहा था कि गेंद उनके बैट से लगकर पैड पर लगी है लेकिन थर्ड अंपायर ने उन्हें फिर भी आउट दिया हालांकि आज आप किसी भी पाकिस्तानी फैन का भिंडी रोना नहीं सुनेंगे कि देखो देखो अंपायर ने चीटिंग करी है हम इंडियन फैंस तो वैसे भी पाकिस्तान की तरफ भिंडी रोना नहीं करते कि देखो इन्होंने अंपायर खरीद दिया क्योंकि देखो हमें पता है कि पाकिस्तान वालों के पास खुद पैसे नहीं है अंपायर को क्या ही खरीदने के लिए देंगे <laughs> बांग्लादेश की तरफ से सिर्फ नजमुल हुसैन थे जिनके बल्ले से रन आए लेकिन वो चौवन रन एक सौ बारह के स्ट्राइक रेट से आए थे ऊपर से अफरीदी फॉर्म में वापस आते जा रहे हैं आज उन्होंने बांग्लादेश के चार बल्लेबाजों को वापसी का रास्ता दिखाया और इसी वजह से मैन ऑफ द मैच बने बांग्लादेश वन एट पर गया और जैसे ही मुझे पता चला कि बांग्लादेश पहले बैटिंग कर रहा है तो मैंने शाहन अफरीदी को लेकर उनको कैप्टन भी बनाया था स्ट्रैटेजी देख रहे हो ब्रो की अगर आपको लगता है कि आपकी भी क्रिकेट नॉलेज जबरदस्त है तो आप ऐसी स्ट्रेटेजी बनाकर माई इलेवन सर्कल ऐप पर मस्त प्राइजेस जीत सकते हो जी हाँ क्योंकि इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया है तो इस खुशी में माइलेवन सर्कल ऐप वालों ने एक बंपर ऑफर निकाला है अभी के अभी 24 घंटे के अंदर अगर आप माइलेवन सर्कल ऐप डाउनलोड करते हो डिस्क्रिप्शन में बोनस कैश जो आप इंस्टेंटली अपने महिंद्रा थार जीतने का मौका है आपके पास तो अपने क्रिकेट का नॉलेज फुल यूज करो और कैश के साथ साथ बंपर प्राइस भी जीतो बाकी टीम बनाने में मैं आपकी हेल्प कर दूंगा बस आप माइलेवन सर्कल आपको डाउनलोड कर लो लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में और पहले डिपॉजिट करते ही

अफ्रीका को हराया और अब नौ तारीख को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना सेमीफाइनल खेलेगी जबकि जिम्बाबे से जीतने वाली टीम इंडिया दस तारीख को इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड में अपना सेमीफाइनल खेलेगी इंडिया और जिम्बाबे के मैच का पूरा हालचाल और बवाल कल सुबह हम लेकर आएंगे लेकिन फिलहाल सूर्य भैया के बारे में कड़क वीडियो देखनी है तो आप जरा क्रिको पे जाइएगा हमारे उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा सूर्य भैया ने आज क्या धोया है क्या खेला है अरे भैया पेला है तो उनके ऊपर एक स्पेशल वीडियो या तो आई होगी या थोड़े टाइम में क्रिको पर आएगी तो उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना लेकिन आपके फायदे के लिए डिस्क्रिप्शन में माई इलेवन सर्कल ऐप का लिंक दिया है अभी, के अभी 24 घंटे के अंदर अगर आप माइलेवन सर्कल डाउनलोड करते हो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां से क्लिक करके तो ड्रिप्शन अप और महिंद्रा थार जीतने का मौका पाओ लेकिन याद रखना दिस गेम्स एन एट ऑफियल रिस्कॉन्सिबिल एन एट तो रिस्क बाकी जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना कल सुबह

सोचिए देखो वो क्या मतलब सीनारी हो कितना स्ट्रेस लेवल पर है गया कितने लोगों को बीपी शुगर सब कुछ हाई हो जाने वाला है उस दिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो तो देखते हैं कि क्या होता है वैसे तो नौ तारीख के मैच में देखते हैं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में मैच में वैसे तो ज़्यादा तो चांसेस न्यूजीलैंड ही जीत जाएगी पाकिस्तान को तो पाकिस्तान हटा दें वहाँ से अगर हट जाए वैसे अगर जाए भी तो भी इंटरेस्टेड होगा हट जाए तभी तो मैं तो किसी इन्हीं और मैं इंडिया को जिताना चाहती हूँ वर्ल्ड कप फाइनल में और इंडिया का मैच दस तारीख होगा इंग्लैंड के साथ तो फिर दोनों में जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा तो लेट्स सी कि क्या पाकिस्तान और इंडिया फाइनल में आ सकते हैं या आ गए तो दैट्स अ मतलब भाई उस दिन तो रोड उड फिर लोग नहीं दिखते हैं यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखता सब तुम सन्नाटा होता हो जैसे इंडिया जीतती है आस पास लोग इतना हल्ला इतना शोर और एक जो लास्ट वाले जो मैच में उसमें इंडिया हार गई थी भाई दस ड्रॉप ट्रॉप इतना सन्नाटा इतना सन्नाटा इतना आस पास कुछ मतलब मतलब किसी इंसान भी रहता है उसकी आवाज़ नहीं आई इतना घोर मतलब गम में लोग डूब गए थे भाई नहीं ले पाते इंडिया पाकिस्तान के मैच को हम गेम की तरफ पता नहीं, नहीं बहुत कोशिशों के बाद भी हम नहीं ले पाते इवन कितनी बार ट्राई कर लेते नहीं लेकिन और सूर्य कुमार यादव की तो बहुत 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 तारीफ़ करी रही है उन्होंने तो बांग्लादेश बांग्लादेश के खिलाफ भी अच्छा परफॉर्म किया जिम्बाबे के खिलाफ मतलब तो बहुत सारे मैच उनका बहुत तारीफ़ हो रही है देखते हैं कि इस बार इंडिया वर्ल्ड कप कपनी कितने साल से नहीं इस बार ले पाती है कि नहीं देखते हैं अगर कुछ इस तरह की वीडियोस और आएंगी तो उसको लेकर आऊंगी और आप बताना कि आप क्या चाहते हो इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल मुकाबला हो या पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हार जाए इंडिया और न्यूजीलैंड का मुकाबला हो क्या चाहते हो जो भी आप चाहते हो अपनी राय आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो फ्रेंड्स तो बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर